एवरीवन वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। मैं बता दूं एमकेएस की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है, इसके फॉर्म लगना स्टार्ट भी हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया, मैंने बना दी एक वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। इसकी मैं बता दूं इसके फॉर्म कब से लगना स्टार्ट होंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, 10वीं 20 पे रहने वाली है, बड़ी सारी पोस्ट जहाँ पे एमकेएस की और हो चुकी हैं। ठीक है, और ये 8 फरवरी 2024 इसके फॉर्म लगना स्टार्ट होंगे। ठीक है, मतलब हो चुके हैं, आज ही 8 तारीख है, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है भाई 8 मार्च को रखी गई है। ठीक है, एक महीना आपको पूरा टाइम दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। ये 10th के बेसिस पे जो पूरी रिक्रूटमेंट रहने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना है। जहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ पे वैकेंसी जो डिवाइड की गई हैं, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में भी ये वैकेंसी टोटल 194, जिन पर कैटेगरीज वाइज आप इसको देख भी सकते हैं। जैसे जनरल की 87, ओबीसी की 64, एससी की 4, एसटी की 16, ईडब्ल्यूएस की 23, जिनकी टोटल 194 वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट में रखी गई हैं। दूसरे नंबर पे देख सकते हैं आप जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, इसमें 99 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तीसरे नंबर पे ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन में, इसमें 86, यानी कि ये सब वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। टोटल बात करूँ तो 567 टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट की गई हैं। ठीक है, ये 10वीं 20 पे रहने वाली है, और किस तरीके से आपको जहाँ पे अप्लाई करना है, कौन सी साइट पे करना है, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम ही रखी गई है, मैट्रिकुलेशन जिनकी आपकी 10वीं पास होगी, और कोई भी आपसे कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया की बात करूँ 18 से 27 ई तक इसकी एज रखी गई है, और एज रिलैक्सेशन भी एससी और एसटी वाले को मिलती है। ठीक है, तो वो जहाँ पे भी इनको देखने को जरूर मिलेगी। बाकी जितनी भी जहाँ पे वैकेंसी आप खुद भी देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, सबकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास से रखी गई है। ठीक है, बड़ी सारी जहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई हैं, आप एक अच्छा मौका है, जो 10th जिन्होंने 10वीं पास किया उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डेट मैंने बता दी। ठीक है, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आप इंडिया के सिटीजन जहाँ मर्जी से बिलोंग करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो भाई। इन्होंने लिखा सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए तो आप इसकी भर्ती के लिए एलिजिबल हो। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कहाँ से अप्लाई करना है ये इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, नहीं तो आप जहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस साइट पे विजिट करके आपको अप्लाई करना है, जहाँ साइबर कैफे वाली दुकान पे जाके आप इसे अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुकी है आज से, जरूर इसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ, फीस में ज़्यादा नहीं रखी गई, सिर्फ 100 रुपये जहाँ पे फीस रखी गई है। ठीक है, सो ये एक अच्छी बात है, इसमें फीस इतनी ज़्यादा भी नहीं रखी गई है। सो आप जरूर इसको अप्लाई करना है। इसका सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपको पता है एमटीएस का 10th बेसिस पर रखा जाता है। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस की रीजनिंग 40 मार्क्स की, अर्थमेटिक की 40 मार्क्स की, ठीक है, हिंदी इंग्लिश कंप्रीहेंशन की 40 मार्क्स, और जो टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का 40 मार्क्स का, जी आपको जहाँ पे रहने वाला है। इस तरीके से सिलेबस आप देखते हैं, सिलेबस जो कॉमन सिलेबस है बाकी एग्जाम में होता है इस तरीके से, सो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, जो इसको अप्लाई करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।